दो दिन पहले हमने प्रभा देवी की जो कहानी यहाँ पे आपको बताई थी उन्हीं के सिलसिले में कई लोग यहाँ मिलने पहुँच चुके हैं, मुखिया हैं और बहुत सारे BDO ऑफिसर से यहाँ पे मिलने पहुँचे हैं और प्रभा देवी को कागज़ इनके बनवाने की सारी जो है आश्वासन दिया है, लिखित रूप में लेकर जा रहे हैं और उनको नौकरी, राशन कार्ड, राशन, सभी तरह की जो सुविधाएं हैं वो देने की बात की जा रही है। हम लोग इन्हीं से बात करते हैं। पहले मैं चलूँगी क्योंकि BDO सर की तरफ से आए हैं ये। आपने मामला देखा, आपको मामला कैसे पता चला और आप अब क्या करने जा रहे हैं प्रभा देवी जी के लिए? मामला हमको BDO साहब आज सुबह में बताएं कि वहाँ जा करके उनको देख लीजिए कि आधार कार्ड है कि नहीं बना हुआ, वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, वो सब सारा प्रक्रिया हम लोग जो है उसको बनाने का पूरा करेंगे। ब्लॉक स्तर सब सब जो भी काम है हम लोग करेंगे। सर, क्या कारण रहा कि अभी तक जो है प्रभा देवी का परिवार आप लोगों के नज़रिए में नहीं आया? मैडम, कारण तो हम लोग को अभी मीडिया वाले भी कोई नहीं बताएं और हम लोग का जो है यहाँ का कुछ जो व्यक्ति है, मेम्बर लोग जो है, ब्लॉक लोग जाते होते हैं तो वो लोग भी नहीं बताएँ, संज्ञान में नहीं आया। अब संज्ञान में आया है तो हम लोग जो है समाज के मुख्यधारा में लाने का काम इनको करेंगे। राजू जी जैसे कह रहे थे हम लोगों की बात होती, राजू जी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और मुखिया भी हैं जिस गांव के बताते हैं। आप जैसे कह रहे थे कि यहाँ पे कई तरह के सर्वे होते, फिर भी क्यों नहीं पता चला? देखिए, सबसे पहले तो ये जो घटना है आप ही के चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी मिली और बड़ी दुख हुआ, क्योंकि सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं जो गरीब, वंचित, दलित, शोषित पीड़ितों के लिए चलाई जाती है, जैसे सरकार ने सर्वे करने का काम किया है, इंदिरा आवास के लिए जनगणना किया, उसके बाद आपको शौचालय किसको, ODF के लिए बहुत सारे सर, सरकार ने एक महादलित विकास मिशन के लिए विकास मित्र की नियुक्ति की है, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए BLO की नियुक्ति की है और माननीय के जनप्रतिनिधि हैं, तो बहुत सारे लोग भी हैं जो सरकार के एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी 6 वर्ष रहने के बाद भी प्रभा देवी समाज के मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाई, यहाँ के उसके लिए सभी लोग जिम्मेवार हैं, चाहे वो स्थानीय जनप्रतिनिधि, वार्ड से लेके जिला परिषद विधायक, MP सांसद, सभी लोग, उसके अलावा यहाँ विकास मित्र से लेके BDO तक भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि अगर ये बातें उन तक नहीं पहुँची तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो काम करने वाले लोग, जैसे पंचायत में है, पंचायत में 29 कर्मी काम करते हैं, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ और मेरे अंदर 29 कर्मी काम करते हैं, राजस्व कर्मचारी, PRS, रोजगार सेवक, सहायक, IT असिस्टेंट, TA, आपको विकास मित्र, टोला सेवक, आशा, ममता, जीविका, बहुत सारे, मतलब जो सरकार का अंग है वो सारे काम करते हैं और वो राइट है, मुखिया को उसका पूरा पावर है कि अगर वो काम नहीं करते तो मुखिया उसका वेतन भी बंद कर सकता है, ऐसा है, सारे काम करने हैं। उसके बावजूद भी अगर प्रभा देवी की तक लोगों की आवाज़ नहीं, प्रभा देवी उन तक नहीं पहुंच पाई, ये एक विडम्बना है और एक अक्ष प्रश्न है। मैं आपको जितना धन्यवाद दूँ कि मुक नायक ने ये बात सामने लाई और हम लोग यहाँ और प्रखंड विकास पदाधिकारी के प्रतिनिधि, मार्केटिंग ऑफिसर, BO साहब, बहुत लोग पहुँचे हैं, इसलिए अब प्रभा को जो सुविधाएं सरकारी मिलनी चाहिए वो मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले ज़्यादा मुख नायक को धन्यवाद कि आप लोगों ने ये जो पीड़ित वंचित लोगों को सामने लाया और हम लोग यहाँ रह के, इस चंपारण के रह के, इसी धरती के रह के, इसी समाज में काम करते रहे, इस प्रकार के काम, लेकिन हम लोग नहीं आए, कहीं ना कहीं हम लोग से भी चुके, इसके जिम्मेवार हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया और प्रभा देवी पर हमारी नज़र नहीं पड़ी, तो यहाँ के स्थानीय जिम्मेवार जनप्रतिनिधि जितने जिम्मेवार हैं उसमें हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी इसके तहत नहीं पहुँचे। आप लोग का धन्यवाद है कि आप लोगों ने आया, प्रभा को देवी तक की बातें पहुँचाई और सभी लोग आ जाए, इसलिए मूक न्याय को जितना धन्यवाद दिया जाए बहुत ही कम है और प्रभा को जो भी आगे से सुविधाएँ मिलनी चाहिए, प्रभा की जो भी लड़ाई होगी एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक सोशल एक्टिविस्ट नाते, उसके हर सुख दुख में मेरी सहभागिता रहेगी, जहाँ उसको जरूरत पड़ेगी 24 आवर्स हम उसके साथ रहेंगे। शुक्रिया। और हमारे साथ और भी हैं, आप भी मुखिया हैं सरबलाल जी, क्या आपने जैसा कहा कि इन लोगों की जानकारी में नहीं पहुंचाई, क्या बात सच है कि प्रभा देवी की जो परिवार की स्थिति थी वो BDO सर तक नहीं पहुंच पाई? जी, BDO साहब तक नहीं पहुंच पाई थी, हम लोग को भी थोड़ा दिन पहले जानकारी आप ही लोगों के माध्यम से हुआ और हम लोग भी उस दिन से जो बोले थे कि इनका जो आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए वो पेपर चाहिए ज़मीन का, इनके पास तो कुछ ज़मीन है नहीं, तो आवासीय प्रमाण पत्र भी नहीं बन पा सकता है, तो BDO साहब से उस पर चर्चा भी किया गया है और सर आए हैं, इनसे भी बोला गया है कि आप कोई व्यवस्था करके इनका पर्यावरण ज़मीन का व्यवस्था किया जाए और ज़मीन मिल जाने के बाद में आवासीय प्रमाण पत्र बना करके आधार कार्ड में नाम जोड़ करके जितना भी सरकारी योजनाओं का लाभ हो इनको तुरंत दिलवाया जाए। जी, शुक्रिया। आप जो हैं राशन पूरा आवंटन करवाती हैं, नाम आपका जानना चाहूँगी। जी मैम, मैं चेतन पांडे हूँ।
चेतन जी, आपको नहीं पता चला था क्योंकि आप जो है घर घर जाती हैं, आप का काम है कि राशन जिनको नहीं मिल रहा राशन पहुंचाए, आपको नहीं पता चला? जी मैम, हम लोग की नियुक्ति हाल फिलहाल हुई है 2-2.5 महीने से, तो मैं ये बताना तो एक हाँ। एक तरीके से ये हो गया कि मैंने नहीं देखा, किसी और ने देखा, ऐसे ही तो एक दूसरे पर टालने जैसी बात हो गई। जी बिल्कुल, हम घूमे हैं, पंचायत में भी घूमे हैं, गांव में भी घूमे हैं। अफसोस की बात है कि मैं इनसे नहीं मिल पाई हूँ, लेकिन जैसे ही आपके माध्यम से पता चला है तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और हाल फिलहाल इनको राशन कार्ड के लिए पता चला क्यों नहीं बना, मैंने पता किया तो पता चला कि आधार कार्ड जो भी क्राइटेरिया होता है वो नहीं फुलफिल गई थी। तो अभी हाल फिलहाल इनकी आज से मतलब प्रोसेस में लग गया है, आज जल्द ही इनकी राशन कार्ड जो भी है बनवा दिया जाएगा। राशन कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी जी जिम्मेदारी ली हूँ। इसके अलावा जो नियरेस्ट PDS शॉप है इनको मैं बोली हूँ कि इनको मतलब एक परिवार के भरण पोषण लायक जितना भी अनाज है वो लाके पहुँचा देंगे, और अन्य भी जो नियरेस्ट PDS है वो भी लाके अपने तरफ से इनको देंगे, और कोशिश करूंगी कि अगले माह से इनको इनका ही राशन कार्ड निर्गत करा दिया जाए। बहुत शुक्रिया चेतन जी। सर आपसे जानना चाहूंगी अभी इनको क्या क्या सुख सुविधाएं जो मिलने जा रही है, क्योंकि इनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट है नहीं दिखाने के लिए और ना बताने के लिए कि इसके आधार पर बन जाए, तो अब ऐसे में क्या किया जाएगा और किस तरह से जो है प्रोसेस शुरू होगा? मैडम, हमको वीडियो साहब भेजा है इस संबंध में कि उनको वस्तु स्थिति को देख लीजिए, देख करके हमको अवगत करवाइए, उस पर हम उचित जो है कार्रवाई करेंगे। तो क्या इनके रोजगार की भी कुछ व्यवस्था की जा रही है? हाँ मैडम, पहले तो इनका जो डॉक्यूमेंट है वो सबसे पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर रोजगार की भी व्यवस्था की जाएगी। जैसे किस तरह का रोजगार है और किस तरह के डॉक्यूमेंट वगैरह में जो है इन लोग को जो है नाम जोड़ करके वो सब जो प्रक्रिया वो सब किया जाएगा। अभी जैसे बातचीत हो रही थी, हम लोग जहाँ बैठे थे वहाँ पे मिड डे मील का इनको एक स्कूल की जिम्मेदारी दी जा रही थी, क्या कुछ ऐसा भी किया जाए? मिड डे मील BO साहब के अंदर में आता है, वो BO साहब तो भरोसा दे के एडमिशन करवाएंगे। हाँ हाँ, हो सकता है, BO साहब तो बोले ही हैं कि लोग एडमिशन कर करके हम मिड डे मील की व्यवस्था करवाएंगे। मैडम तो प्रक्रिया वो सब चल रही है, हो जाएगी। आपने जितनी बातें कही वो क्या रिटर्न में इनको मिलेगी, कब तक मिलेगी, कि एक आश्वासन रहे कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ बात नहीं हो रही है कैमरे पे, ये सब एक रिटर्न में एक जो प्रूफ हो जाए, पुख्ता प्रूफ आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। मैडम कभी भी आप आइएगा इसके बाद, तो हम लोग BDO साहब से बातचीत कर करके इनको हम करवाएंगे। चलिए, ये पारस जी ने बहुत अच्छा कहा कि बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। हमारे साथ प्रभा भी हैं और मैं प्रभा से जानना चाहूँगी। प्रभा जी, आपसे सब लोग मिलने आए हैं और सब लोग कह रहे हैं कि अब आपके सारे कागज़ बन जाएंगे, ज़मीन मिल जाएगी, आपको नौकरी भी मिल जाएगी, आपके सारे बच्चे स्कूल भी जाएंगे, कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे इस पर? बोले हमारा ये हमारा कई बाल बच्चा सा स्कूल जाइए, हमारा आधार कार्ड बन जाइए, हमारा सरकार से कुछ मदद मिल जाइए, हमारा धन्यवाद। हाँ बाल बच्चा हम आनंदी से रही। हाँ कैसे हमारा बरसात आवल है तो हमारा पलाटी के घर में गुजर न जाले, हमने के रात में बिहान जाके रो के कान के बिहान करी ले। हाँ मांग चांग के 1 किलो 2 किलो चावल हो तो खाई ले, आ न जाए मांगे जो ना दिन उनती के भूखे टकर ताकि गाँव समाज में के आदमी सब सके माया लगा तो एक मिनट देव ले खा ला, न देव तो उनती है भूखे टकर ताकि ले। हाँ अब रोजगार आपका लग जाएगा, नौकरी करने लगेंगे, क्या तब भी आप या बच्चों को भीख मांगने के लिए भेजेंगे या जाएंगी? ना ना जाएं। अब नहीं जाएंगी, ना बच्चों को पढ़ाएंगी? पढ़ाकर क्या बनाना चाहते हैं, कुछ आपने सोचा है कि अगर मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे पढ़ के क्या बनाना चाहते हैं, क्या सपना है आपका? बाल बच्चा पढ़ लेते कहते होते एगो बेटा है तो बाहर भीतर जाते, चाहे बेटी तो पढ़ लिख डॉक्टरी बनते, चाहे अति चाहे को नौकरी लाग जाते बनते। हाँ ये धन्यवाद। तो प्रभा जी थी हमारे साथ और खुश हैं, और यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं वो भी हैं, तो इन सबसे करीब आप ही रहते हैं प्रभा जी के, और इन जब जिम्मेदारी आपकी बनती है तो क्या आप इन सबसे अब कांटेक्ट में रहेंगे, अब बातचीत होती रहेगी? हाँ जी, बातचीत तो सब होबे करल, मैंने कागज़ के आधार से न कागज रहला से कोई काम न हुआ ले, जहाँ तक कहीं कागज खोज ले। लगातार आपको इस पर ये भी मदद करनी पड़ेगी कि अगर थोड़ी देरी होती है तो आपसे ऊपर मुखिया हैं, मुखिया से ऊपर जो फिर BDO हैं उनको भी आपको बताना पड़ेगा कि ये कागज़ अभी समय पे नहीं आया, तो ये सारी जिम्मेदारी भी आपको। जी जी हाँ, तो जिम्मेदारी बढ़ ले कहले जाले डीलर तल कौन तल तो जरूरत जहाँ पर जहाँ जल्बे कर लिया। वार्ड सदस्य थे ये हमारे साथ, और यहाँ पे आप प्रभा देवी थोड़ा सा खुश हैं यहाँ पे कि उनके बच्चे स्कूल जाएंगे, उनका सपना है कि उनके बच्चे जो हैं डॉक्टर बने, ऑफिसर बने। अब प्रोसेस शुरू हो गया है उनके कागज़ बनने में, उनके रोजगार में, सभी चीज़ों में प्रोसेस शुरू हो गया है, लेकिन सरकारी काम में देखते हैं कितने दिनों में पूरा होगा। ये एक स्पेशल केस है, अब इस स्पेशल केस को कितना आगे कितनी जल्दी पहुंचाया जाएगा ये सरकारी लोग ही बताएंगे।
प्रभा देवी से अब जिला प्रशासन से भी जो ऑफिसर्स हैं वो मिलने पहुंचे हैं और आश्वासन देने गए आए हैं कि उनके अब आगे जो प्रोसेस है, उनके जो कागज़ नहीं बने हैं वो क्या क्या बन सकते हैं और किस तरह से प्रोसेस होगा। जी सर, प्रभा देवी के बारे में आपको कैसे पता चला और अब आगे क्या करने की सोच? प्रभा देवी के बारे में आज सुबह जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बताया गया और उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर फील्ड विजिट के लिए आए हैं। इनके घर पर आने के बाद ये जानकारी हुई कि इनकी शादी काफ़ी साल पहले नेपाल में हुई थी और उसके बाद वहाँ सिर्फ शायद पति के द्वारा वहाँ पे भी घर नहीं था और यहाँ पे भी इनके पास आवास नहीं था, आवास विहीन है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके पूरे परिवार इसमें रह रहा है, एक टेंट रूपी जो टेम्प्ररी शेल्टर है उसमें इनके 9 बेटियाँ और 1 बेटे थे। एक बेटी की इन्होंने शादी कर दी है और 8 बेटियाँ और 1 बेटे भी इनके साथ रहते हैं। इनके पास आजीविका का कोई माध्यम नहीं है और जैसा कि गाँव वालों ने बताया कि ये कुछ मांग कर लोगों से, अगल बगल के घरों से अपना गुजारा करती हैं। तो आज सबसे पहले जिला प्रशासन के द्वारा हेल्थ की टीम को यहाँ पर भेजा गया था ताकि उनके जो बच्चे हैं, सबसे पहले उन लोगों को यदि कोई मेडिकल सपोर्ट है वो दिया जाए। वैक्सीनेशन वगैरह की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सबसे पहले इनका आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया की जा रही है ताकि आधार कार्ड बनने के बाद ही इनको जो विभिन्न योजनाएं हैं सरकारी, सभी से इनको लाभान्वित कराया जाएगा। साथ ही सभी जो बच्चे हैं, 6 साल से छोटे बच्चे हैं, सभी को आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ा जाएगा ताकि जो पोषण से संबंधित बच्चों को यदि कोई कुपोषण की समस्या है वो नहीं हो और उनको जो THR टेक होम राशन है वो हर माह मिलने लगे। साथ ही इनको PDS से भी तत्काल वो राशन जो है दिलवाया जा रहा है और जब आधार कार्ड बन जाएगा इनके बैंक अकाउंट खोलने की प्रक्रिया की जाएगी। इनको जॉब कार्ड दिलवाया जाएगा, मनरेगा में काम इन्हें मिलेगा और मनरेगा में जब इन्हें जॉब कार्ड मिल जाएगा तो हम लोग लेबर डिपार्टमेंट से इनका लेबर कार्ड भी बनवाने की प्रक्रिया करेंगे ताकि फिर इन्हें किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़े, इनकी आजीविका खुद के मेहनत से चलने लगे और जो मांगने की आदत है वो कहीं ना कहीं वो पूरे समाज के लिए अभिशाप है। जिला प्रशासन के लिए भी यह एक चैलेंज ही है कि इस तरह के लोग भी समाज में हैं और जिन्होंने भी इस बात को उठाया है वो भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि इस तरह की चीज़ें स्थानीय जनप्रतिनिधि ने भी नहीं उठाई और वहाँ पर जिला प्रशासन को जानकारी नहीं हो पाई। तो अब निश्चित रूप से इनका अगले 24 घंटे या 2 दिनों के अंदर इनकी जो भी दस्तावेज है उसको बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और इनको लाभान्वित कराया जाएगा। सर एक सवाल, कहाँ चूक रह गई कि प्रभा देवी जैसे अभी तमाम परिवार हैं वो प्रशासन तक नहीं पहुंच पाते हैं या उनकी आवाज़ पहुंच नहीं पाती, एक चूक कहाँ रह जाती है? कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनको ही ये बातें बतानी चाहिए। चूँकि इतना बड़ा जिला है और इतनी बड़ी जनसंख्या है तो एक एक व्यक्ति तक पहुंचना शायद मुश्किल होता है और ख़ास करके जब कोई हमारे समाज में जब किसी लड़की की शादी होती है तो हम लोग मानते हैं शादी के बाद उसका घर ससुराल हो जाता है। ये महिला कहीं ना कहीं अपने मायके में रही काफ़ी दिनों तक। इनके जैसा इन्होंने बताया इनके पति कभी कभी आते थे और वो भी कहीं फिर नेपाल चले जाते हैं। तो इस ये जो बॉर्डर का इलाका है इसकी इस मूल समस्या का जरिए है, शादियां इधर से उधर होती हैं और शायद चीज़ें ठीक से नहीं हो पाने पे और स्थानीय लोगों ने कहीं ना कहीं वो बातों को पहले नहीं उठाया, नहीं तो पहले उठाते और संवेदनशील यदि हम लोग होते कहीं ना कहीं सबकी ये कमी है, चाहे वो प्रशासन हो या स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, उनके पड़ोसी हो, लेकिन कोई नहीं, चीज़ें जब जानकारी में आई अब हमारी जिम्मेदारी है, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि इनके लिए हम लोग कुछ कर पाएँ और इनके आजीविका को ढूंढें, इनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें, पोषण की व्यवस्था करें, इलाज की व्यवस्था करें ताकि ये लोग भी मुख्य धारा में शामिल हों, जिएं, गरिमा से मनुष्य होने की जो इनको अधिकार कर्तव्य मिले हैं इनको वो इनको मिले और उसके साथ ये लोग गरिमामयी जिंदगी जी सके। पूर्वी चंपारण जिले से आए हैं और सर एक और मामला ऐसा ही आया है, मैं सामने लाना चाहूँगी, क्या इनके लिए भी कुछ किया जा रहा है? सर यहाँ आ जाइए। जी बिल्कुल, सर अभी आने पर ही पता चला कि एक और इस तरह की महिला हैं, सोमारी देवी, जो बगल के चैनपुर गाँव से हैं और इनके साथ भी ऑलमोस्ट सेम स्थिति है। इनके भी पति नहीं हैं और ये भी यहाँ मायके में रह रही हैं बगल गांव में, तो जो स्थितियाँ उनके साथ थी वही स्थिति इनके साथ है, तो सेम चीज़ें इनके लिए भी की जाएंगी। और यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग हैं, गांव के लोग हैं, सबसे बताया गया है कि इस तरह का एक सर्वे भी कर लें, चूँकि बॉर्डर इलाका है, ऐसा नहीं कि यही दो हो सकते हैं, एक दो और भी इस तरह की महिलाएँ या कोई आदमी ऐसा निकल जाए जो इस स्थिति में है कि मांगने पर मजबूर है और या फिजिकली रूप से भी अक्षम है काम करने में, तो वैसे लोगों तक भी हम पहुँचें। तो लोगों को बताया कि एक सर्वे करके, बात करके, जांच करके वैसे दे दें ताकि हम लोग सबके लिए कर सकें। ये जिला प्रशासन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए है, ये सबके लिए है और जो भी योजनाएं होंगी उससे सभी को लाभान्वित कराया जाएगा। कब तक हो जाएगा, मतलब एक अल्टीमेटम अगर दिन? हाँ, मैं तो PDS का तो आज ही व्यवस्था हो गया, इनको राशन आज ही मिल जाएगा और वैक्सीनेशन भी आज हो गया है,
आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन, जिलाधिकारी कितने संवेदनशील हैं कि जिला से सभी विभागों के पदाधिकारी हमारे साथ, सहायक जैसे सामाजिक सुरक्षा भी आए हैं, फिर अभी एमओ जो थे वो आकर चले गए, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम चली गई है। चूँकि आज इलेक्शन को लेकर थोड़े से ट्रेनिंग वगैरह थे जिले में, जिसको पूरा करने के बाद हम लोग वहाँ से निकले हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम आकर चली गई है, तो उनके जो बच्चों का एडमिशन है वो प्रक्रिया हो जाएगा। तो अगले 24 घंटे के अंदर या अधिकतम दो दिनों के अंदर, थोड़ा सा दिक्कत होगा आधार कार्ड बनवाने में, चूँकि इनके पास कोई पहचान रूपी कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने स्थानीय जो यहाँ पे हैं जनप्रतिनिधि, उनको बोला है कि इनका एक फ़ोटो पहचान पत्र बनाकर, चूँकि वो ऑनलाइन होता है और वो अप्रूवल कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन ही होता है उस प्राधिकार के द्वारा, वो कोई ना कोई दस्तावेज़ देखते हैं, तो उनका रिजेक्ट नहीं हो, वो आधार कार्ड बन जाए। क्योंकि आधार कार्ड बनने के बाद हम लोग तुरंत 24 घंटे के अंदर, चाहे इनका बैंक खाता खुलवाना हो, जॉब कार्ड बनवाना हो या और भी कोई दस्तावेज़ बनाना हो, वो तुरंत करा लेंगे। सेम प्रोसेस इनके लिए भी अपनाया जाए? जी बिल्कुल, सेम प्रोसेस इनके लिए भी होगा, जो प्रोसेस उनके लिए है वही इनके लिए है। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि उनको बता दिया गया है, स्थानीय पदाधिकारियों को भी बता दिया गया है, कुछ पदाधिकारी और थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं, ताकि सभी विभागों से इनको एक साथ हेल्प मिल सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जिला प्रशासन से थे और आप भी हैं सर, आप अपना परिचय मैं आपसे। मैं धीरज कुमार, सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कुशांग, जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में हम लोग यहाँ आए हैं प्रभा देवी के जो है मामले को ये करने के लिए। और जैसा कि अभी हमारे साथ लेबर सुपरिटेंडेंट साहब हैं, उन्होंने बताया कि इनके लिए जो भी प्रशासनिक पहल है, इंटरवेंशन है, वो हम लोग तत्काल इनको राहत पहुँचाने की कोशिश हो रही है। कुछ सारी चीज़ें अभी हो गई हैं और बाकी अगले 24 से 48 घंटे के अंदर बाकी जो चीज़ें होंगी वो हम लोग इनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा यहाँ पे अलग अलग जो प्रशासन है, अलग अलग टीम पहुँच रही है और प्रभा देवी जैसे जो और परिवार आ रहे हैं उनको भी आश्वासन दिया जा रहा है, उनकी भी मदद करने की कोशिश की जा रही है। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे दमोह नायक।